गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं निशान मांडलिया, वागेश्वरी ग्रुप ट्यूशन से। हायर परचेस का पार्ट वन मैंने वीडियो अपलोड किया था। जो भी स्टूडेंट्स है ये वीडियो देख रहे हैं, उनको मेरा एक रिक्वेस्ट है, पहले आप हायर परचेस का पार्ट वन जो मैंने अपलोड किया है यूट्यूब में वो देखिए, बाद में ये देखेंगे तो समझने में थोड़ा इजी रहेगा, अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्लियर? तो बेटर क्या पहले पार्ट वन है जो 10 मिनट अराउंड है वो पार्ट वन का बेसिक कंसेप्ट हायर परचेस का लर्न करके आओ, बाद में आप पार्ट टू का ये समझ सकते हो। क्लियर? अब पार्ट टू जो हायर परचेस रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं उसका मैंने जैसे कि पार्ट वन बताया कि टोटल कितने मेथड्स होते हैं, 5 मेथड होते हैं। जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज, कैश प्राइस इज नॉट गिवन, इंटरेस्ट रेट इज नॉट गिवन, इंस्टॉलमेशन प्लस इंटरेस्ट इन द बुक्स ऑफ हायर। अब मैं इसकी एंट्रीज समझाने जा रहा हूं, जनरल एंट्रीज। अब 1 से 4 जो मेथड है, 1 से 4 वो 1 से 4 मेथड की जो एंट्रीज है वो क्या रहेगी, सेम। ये चारों में से कोई भी आए मेथड, ये चारों में से कोई भी मेथड आए तो आपको क्या करना है, उसका जो एंट्रीज है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम। एंट्री बिल्कुल चेंज होगा नहीं। तो 1 से 4 जो मेथड्स है उसकी एंट्रीज क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर? तो 1 से 4 मेथड की जो एंट्रीज है वो आपको समझाने जा रहा हूं। सबसे पहले हायरर और वेंडर की बुक्स में क्या क्या एंट्री रहेगा। अब एंट्री के पहले स्टेज हम एक बार लर्न कर ले, एंट्री के स्टेज। सबसे पहले क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, साइनिंग एग्रीमेंट। क्लियर? उसके बाद क्या होता है, पेमेंट ऑफ साइनिंग एग्रीमेंट। नंबर 3 क्या होता है, इंस्टॉलमेंट ड्यू होता है, फिर इंस्टॉलमेंट पेड होता है, फिर डेप्रिसिएशन होता है, और लास्ट में डेप्री और इंटरेस्ट हम कहां पे ट्रांसफर करते हैं, पीएनएल में। तो इसके टोटल कितने स्टेज है एंट्री पास करने के, 6। सबसे पहले साइनिंग एग्रीमेंट, नंबर 2 पेमेंट और साइनिंग एग्रीमेंट, नंबर 3 इंस्टॉलमेंट ड्यू, नंबर 4 इंस्टॉलमेंट पेड, देन 5th डेप्रिसिएशन, एंड लास्ट में ट्रांसफर टू पीएनएल। डेप्री और इंटरेस्ट हम कहां पे ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल में। तो ये आपको पहले 6 स्टेज है वो अच्छी तरह याद कर लो, बाद में एंट्री क्या हो जाएगा अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहले साइनिंग एग्रीमेंट क्या होता है, साइनिंग एग्रीमेंट। साइनिंग एग्रीमेंट सबसे पहले हम देखें तो हायरर की बुक में साइनिंग एग्रीमेंट की एंट्रीज नहीं होती है। उसका लॉजिक ये है क्योंकि यहां पे जो हायरर है उसकी ऑनरशिप सब इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद आती है। क्लियर? तो इसको सिर्फ क्या मिलता है, पजेशंस मिलता है, ऑनरशिप नहीं मिलती। ऑनरशिप कब मिलेगी, लास्ट में मिलेगी। तो सबसे पहली एंट्री साइनिंग एग्रीमेंट इन द बुक्स ऑफ हायरर होगा नहीं, लेकिन वेंडर। अब सोचो थोड़ा अकाउंट के रूल्स, वेंडर के लिए ये क्या हुआ, सेल हुआ। क्या हुआ, सेल। लॉजिकली ये किसको सेल करेगा, हायर। और अकाउंट में ऑलवेज सेल क्या होता है, क्रेडिट, तो टू सेल। अब वेंडर को किसके पास पैसे लेने हैं, हायर के, किससे पैसे लेने हैं, हायर। तो वो एंट्री क्या करेगा, सेल क्रेडिट होता है और किससे पैसे लेने, हायर। तो एंट्री होगा हायरर अकाउंट डेबिट टू सेल, इज दैट क्लियर। तो पहली एंट्री सेल क्रेडिट होता है और वेंडर को किससे पैसे लेने, हायर। तो एंट्री होगी हायरर अकाउंट डेबिट टू सेल। क्लियर? इस साइनिंग एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में ये एंट्री होगी, इसके बुक में नो एंट्री और इसके बुक में एंट्री होगी हायरर अकाउंट डेबिट टू सेल। नंबर 2 पेमेंट ऑफ साइनिंग एग्रीमेंट। साइनिंग एग्रीमेंट का क्या होगा, पेमेंट। अब लॉजिकली वेंडर सेल करेगा तो उसको पैसे मिलेंगे, तो बैंक में पैसे आएंगे लॉजिकली। तो बैंक अकाउंट क्या होता है, पैसे आते तो बैंक क्या होता है, डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, जब उससे पैसे लेने थे तब अकाउंट क्या था, क्या किया था उसका, डेबिट। अब उसका अकाउंट वो क्या करेगा, क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर, क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर, क्योंकि उसको पैसे लेने हैं, किससे पैसे लेने हैं, हायर। तो पैसे आएंगे, पैसे आते तो क्या होते हैं, डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, और पहली एंट्री में हायर क्या था, डेबिट। अब वो क्या करेगा, क्रेडिट, टाइम टू हायर। अब इसके पास पेमेंट ऑफ साइनिंग एग्रीमेंट, वो साइनिंग एग्रीमेंट पेमेंट करेगा तो उसको असेट्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, असेट्स। पर आप अकाउंट के रूल्स जानते हो, असेट आती है, व्हाट असेट वाज कम इट्स विल बी डेबिट। तो असेट क्या होता है, डेबिट। असेट अकाउंट डेबिट, और लॉजिकली वो पेमेंट करेगा तो उसका पैसा जाएगा, और अकाउंट में पैसे जाते तो क्या होता है, क्रेडिट। असेट टू बैंक, क्या होगा, असेट टू बैंक। तो 2 एंट्री मैंने आपको समझा, पहले साइनिंग एग्रीमेंट और दूसरा पेमेंट ऑफ साइनिंग एग्रीमेंट। साइनिंग एग्रीमेंट इसके बुक में नो एंट्री, ये सेल करेगा, सेल ऑलवेज क्रेडिट, और किससे पैसे लेने, हायर। तो हायर टू सेल। नेक्स्ट पेमेंट ऑफ साइनिंग एग्रीमेंट, इसके पास पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, पहली एंट्री में क्रेडिट डेबिट किया था हायरर का, अब क्या करेगा, क्रेडिट, टाइम टू हायरर। इसके बुक में क्या आएगा, असेट्स आएगा, तो असेट अकाउंट डेबिट, पेमेंट करेगा टू बैंक। नेक्स्ट
इंस्टॉलमेंट ड्यू, इंस्टॉलमेंट ड्यू, इसको क्या मिलने वाला है? इंटरेस्ट मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट उसके लिए क्या है? इनकम है। इनकम होल्डर्स क्या होती है? क्रेडिट। तो ये इंटरेस्ट को क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। क्या करेगा? क्रेडिट। अब इससे किसको इंटरेस्ट लेना है? हायर अकाउंट में जिससे पैसे लेने हैं उसका पर हम क्या करते हैं? डेबिट। हायर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ये क्या एंट्री करेगा? हायर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अब ये इंस्टॉलमेंट ड्यू, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट बाकी होगा, दूसरा इंटरेस्ट देना बाकी होगा, और थर्ड वेंडर। अब ये इसके लिए इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा, प्रिंसिपल अकाउंट वो कौन से फॉर्म में? असेट्स के फॉर्म में। असेट के फॉर्म में डेबिट होगा, तो असेट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। किसको पैसे देने हैं? वेंडर को। जिसको जिसको पैसे देने उसका अकाउंट क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो असेट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। क्लियर? कितनी एंट्री हुई? 3। इंस्टॉलमेंट ड्यू, इसके लिए इंटरेस्ट क्या है? इनकम। इनकम है तो इसलिए इंटरेस्ट क्या किया? क्रेडिट। इसके लिए इंटरेस्ट क्या है? डेबिट। इसके लिए इंटरेस्ट क्या किया? डेबिट। इसको किससे पैसे लेने? हायर अकाउंट में जिससे पैसे लेने उसका अकाउंट क्या करना पड़ता है? डेबिट। हायर टू इंटरेस्ट, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट बाकी, इसलिए असेट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट बाकी लिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और टू वेंडर। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे, इसके लिए पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट। हायर का अकाउंट पहले क्या किया था? डेबिट। अब वो क्या करेगा? क्रेडिट। बैंक टू हायर। क्लियर? नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे, ये क्या करेगा? पेमेंट करेगा। पहले ये एंट्री में वेंडर क्या किया था? क्रेडिट। अब उसको पेमेंट कर रहा है तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट। वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि पैसे जा रहे हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर? नेक्स्ट डेप्रिसिएशन। अकाउंट के रूल्स आपको बताए, असेट कौन यूज कर रहा है इसमें? हायर। तो डेप्रिसिएशन को लोन कौन क्लेम करेगा? हायर। तो उसकी एक बुक में एंट्री रहेगी डेब्री। वो बिजनेस का क्या होता है? एक्सपेंस। और एक्सपेंस होल्डर्स क्या होता है? डेबिट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है। एक्सपेंस होल्डर्स क्या होती है? डेबिट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, असेट की वैल्यू डाउन हो रही है तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। क्योंकि आ रहा था तब डेबिट कर रहा था, अब उसका वैल्यू डाउन हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। अब लास्ट ट्रांसफर टू पीएनएल, ट्रांसफर टू पीएनएल। अब देखो इसके लिए इंटरेस्ट पहले क्या था? क्रेडिट था। अब वो पीएनएल में कौन सी सेट ले जाएगा? क्रेडिट। क्योंकि आपको पीएनएल अकाउंट के रूल्स मालूम है, पीएनएल अकाउंट के डेबिट सेट क्या होता है? एक्सपेंस। और क्रेडिट सेट क्या होती है? इनकम। इसलिए इसके लिए इंटरेस्ट क्या है? इनकम है। इसलिए वो पीएनएल अकाउंट में कौन सी सेट ले जाएगा? क्रेडिट। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, पीएनएल क्यों क्रेडिट हो रहा है? क्योंकि उसके लिए इनकम है। इनकम होता है तो पीएनएल अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। अब इसके लिए डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस पीएनएल अकाउंट की कौन सी सेट आते हैं? डेबिट। तो पीएनएल अकाउंट क्या करना पड़ेगा? डेबिट। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट, क्योंकि इसके लिए एक्सपेंस है, इसलिए पीएनएल डेबिट किया। और जो इंटरेस्ट पहले डेबिट और डेप्री डेबिट था उसको क्या किया? क्रेडिट। और इसके लिए इंटरेस्ट क्या था? क्रेडिट। क्रेडिट था इसलिए पीएनएल अकाउंट की कौन सी सेट लिखा? क्रेडिट। इसलिए पीएनएल क्रेडिट किया और इंटरेस्ट क्या किया? डेबिट। जैसा बोलूंगा आपको टोटल कितनी एंट्री याद रखनी है? 6। सबसे पहले साइनिंग एग्रीमेंट, पेमेंट ऑफ साइनिंग एग्रीमेंट, इंस्टॉलमेंट ड्यू, इंस्टॉलमेंट पेमेंट, डेप्रिसिएशन एंड ट्रांसफर टू पीएनएल। क्या करना है? डेप्री एंड इंटरेस्ट। सबसे पहले एंट्री वेंडर, इसके लिए सेल है, सेल ऑलवेज क्रेडिट होता है। और किससे पैसे लेना है? हायर, तो हायर टू सेल। पेमेंट ऑफ साइनिंग एग्रीमेंट, इसलिए पैसे आएंगे, पैसे आते तो क्या होते हैं? डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, पहले हायर डेबिट था उसको क्या किया? क्रेडिट। इसके लिए असेट्स आएंगे, असेट आर कम तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट। असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू, इसके लिए इंटरेस्ट क्या है? इनकम। इनकम होल्डर्स क्या होती है? क्रेडिट। तो इंटरेस्ट क्या क्या? क्रेडिट। किससे पैसे लेने? हायर, तो हायर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। इसको क्या क्या पे करना बाकी है? इंस्टॉलमेंट, और दूसरा क्या पे करना बाकी है? इंटरेस्ट। तो असेट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस ले इसलिए इंटरेस्ट डेबिट किया, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। और किससे पैसे देने? हायर टू, किसको पैसे देने? वेंडर, तो टू वेंडर। अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट, इसके लिए पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, जो हायर पहले डेबिट किया था उसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर। अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये पे करेगा, इसके लिए पैसे जाएंगे, यहाँ पे वेंडर क्या किया था? क्रेडिट। अब क्या करना पड़ेगा? डेबिट। वेंडर टू बैंक। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कौन क्लेम करने वाला है? हायर, क्योंकि वो क्या कर रहा है? असेट को यूज कर रहा है, तो इसकी बुक में नो एंट्री। और इसकी बुक में डेप्री एक्सपेंस है, एक्सपेंस होल्डर्स क्या होते हैं? डेबिट। डेप्री टू असेट। अब नेक्स्ट ट्रांसफर करना है पीएनएल में, इसके लिए डेप्री और इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस है, तो वो पीएनएल अकाउंट की कौन सी सेट ले जाएगा? डेबिट। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्री टू इंटरेस्ट। इसके लिए इंटरेस्ट क्या है? क्रेडिट, तो वो पीएनएल अकाउंट की कौन सी सेट ले जाएगा?
क्रेडिट साइड, तो पीएनएल क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, और इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, डेबिट। क्लियर? तो मैं सर लास्ट टाइम बोल रहा हूं, एक से चार एंट्रीज की जो एंट्रीज है वो क्या रहेगी, सेम मैं पार्ट 3B हायर परचेस के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं। थैंक यू सो मच।